हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज हम ऐसी एक वीडियो लेके आए हैं आप लोग के सामने, जो है महत्वपूर्ण वीडियो है। जब पेशेंट को कैनुला दिया जाता है हाथ में, या सेलाइन दिया जाता है, या इंजेक्शन दिया जाता है, कभी कभी ब्लड भी लिया जाता है, तब जब आपको वेन में पुश किया जाता है, पुश करने के बाद जो आपका जो नीडल है, वो नीडल मांसपुल में घुस जाता है, वेन के अंदर चला जाता है, मांसपुल के अंदर चला जाता है, तब क्या होता है, थोड़ा स्वेलिंग हो जाता है, तब आपको क्या होता है, यहाँ ब्लड जमा हो जाता है। ब्लड जमा होने के बाद कारण क्या होता है, उसको काले दाग हो जाता है, यहाँ पर ब्लड पूरा जमा होकर स्किन काले हो जाता है, दाग हो जाता है। तो आज हम उसके बारे में पूरा डिटेल्स आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए तो आप लोगों को पूरा नॉलेज मिलेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो क्या होता है, जो आज हम जो मेडिसिन लेके आए हैं वो अपॉइंटमेंट भी होता है और स्प्रे भी होता है। जो हेपारिन, उसका कॉम्पोजिशन हेपारिन सोडियम होता है, जो उसका ब्रेंड नेम है थ्रोम्बोट्रोइन, जिसका ब्रेंड नेम आप लोगों को मार्केट में मिल जाएगा थ्रोम्बोट्रोइन, जो ऑइंटमेंट आता है। तो उसे आप अगर सेलाइन इंजेक्शन या कैनुला लगाने से आपको अगर यहाँ पर हाथ में या पैर में कोई भी जगह हो, देने के बाद अगर काले हो जाता है, ब्लड जमा हो जाता है, तो ये काले दाग नहीं जाता है, तो बहुत दिन तक, ये ज़्यादा दिन तक यह क्या होता है, ये काले दाग रह जाता है। कभी कभी ब्लड लेने से भी कि ये काले ब्लड जमा हो जाता है, तो काले दाग हो जाता है, वो दाग धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, तो देखने में बहुत खराब लगता है। तो इस दाग को कैसे मिटाना है, तो आज हम एक मेडिसिन ले गया है जो थ्रोम्बोट्रोइन, जो ब्रेंड नेम है वो वनमेन आता है, वनमेन लगाने से आपको ये काले दाग बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी के लिए अगर ब्लड जमा हो गया है हाथ में, जमा होकर काले दाग हो गया है, तो उस इमरजेंसी ठीक करने के लिए थ्रोम्बोट्रोइन स्प्रे भी आता है। तो स्प्रे मारने से तो आपको काले दाग जो होता है उसको धीरे धीरे क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, फिर से नया स्किन बन जाता है। तो उसको आपको कैसे यूज़ करना है, दिन में आपको दिन में अगर ऑइंटमेंट लगाना है तो दिन में दो बार यूज़ कीजिए, अगर स्प्रे भी आपको करना है तो दिन में दो बार यूज़ करना है, सुबह शाम, जहाँ पर काले दाग है वहाँ पर आपको लगाना है। तो लगाने से इसी तरह आपको 10 या 15 दिन लगाने से, या एक महीने, ज़्यादातर एक महीने लगाने से आपको ये काले दाग ख़त्म हो जाता है। तो ये ब्लड क्यों जमा होता है, क्यों ये होता है, आप लोगों को समझ में आ गया है, तो इसीलिए ये थ्रोम्बोट्रोइन ऑइंटमेंट भी आता है और स्प्रे भी आता है, तो इसको लगाने से आपको काले दाग पूरा तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो देखकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा नॉलेज मिला। तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।